मैडम जी? घूमी घूमी मैडम जी, सोसाइटी में घूमी घूमी बेटों को घर में रह रहे के हालत खराब हो जाता है, नहीं रहना होता, घूमने निकलना होता है। अभी चाहिए गुच्छा ऑल पॉपले, लेके चलो मुझे जल्दी छे। चलिए चोमा प्याली, छोटी सी चोमा प्याली अपने दोस्तों से मिलने आ जाती है। डेली देखो कितने सारे छोटे छोटे बेबीज हैं यहाँ पर। बेटू झूला झूला है, पहले मेरे बेटू को झूला झूला है। कुछ टाइम बाद बताना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही शाम में इधर ही दिखेगी, है ना बेटू? अभी तो जिद करती है इशारों में। मैं जा रही हूँ, ठीक है चल जल्दी आ। मैं जा रही हूँ टेलर के पास, जो साड़ी मैंने ली है उसके ब्लाउज के लिए। बहुत कम दिन रह गया है वट सावित्री पूजा को, देखा जाए तो बहुत कम है। जिसके घर में छोटा सा बेबी है उसके लिए बहुत कम दिन है सारे अरेंजमेंट्स करने में। इस बार खुद ही करना है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेलर्स टाइम भी बहुत लेते हैं। वहीं जा रही हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि अभी जैसे बेबी को लेके वो नीचे गए हैं, थोड़ा सा उसको घुमाएंगे ऑफिस से आने के बाद, तब तक उतने टाइम में मैं टेलर के पास जाके आ जाऊँगी ताकि वो घर पर रोए ना मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे मैनेज करना पड़ता है, बट सब हो जाता है। आम देखिए, आम पेड़ पर लटके हुए मैंगोज बड़े अच्छे लगते हैं। अरे हरे यहाँ भी ये हमारी बिल्डिंग का पीछे वाला गेट। हमारी सोसाइटी बड़ी प्यारी है। सोसाइटी से बाहर, मेन गेट से बाहर ही हमारा टेलर है, हर चीज़ पास में मिल जाता है, वहीं पार्लर है, सब कुछ एकदम नज़दीक में ही। यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ पास में ही है। डी मार्ट पास में है, शॉपिंग की चीज़ें पास में है, तो हर चीज़ काफ़ी नज़दीक है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता ट्रैवल करके, और सोचना नहीं पड़ता कि शिट यार कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम आ गए, यहाँ पे पिला दो, दूध पिला सुला दो, बस घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर रोती क्यों है बाहर आने के लिए? फिर रो रही है क्या चाहिए बिटू को? हाँ एक तो मम्मा का काम नहीं हुआ, ऊपर से तुम लो ले हो। काम नहीं हुआ कुछ तो हुआ, मैंने मेरा टेलर वाला काम नहीं हुआ, कल फिर से बुलाया बिकॉज जिनको देना था वो अवेलेबल नहीं थी, कल आएंगी। तो मैंने कैप्सिकम ले लिया क्योंकि आज एक रेसिपी बनेगा, अगर प्रॉपर बन गया तो उसका रेसिपी ज़रूर शेयर होगा। ओ हवा ओ हवा ओ हवा, पिज्जा पार्टी चल रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ बेबी का 3 मंथ होने पे केक कटिंग हुआ नहीं, पार्टी हो रहा खाली। मेरे बेटू तो खा नहीं रही है कुछ भी। बेटू 3 मंथ कंप्लीट, बट तुमको पिज्जा कोई नहीं पूछ रहा, ये छोना बेटा इनका फोन घर पे, मेरी सास फोन पे कुछ खाई कि नहीं खाई, मैं उनके गुस्से में पोहा बनाई ये पतिदेव पूरा देखेंगे पतिदेव ये पूरा रिकॉर्डिंग देखेंगे बता दो तो लोग खाली फोटो के लिए पोज मारते हैं, बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए सबूत के साथ। वो पिछले बार भी हो गया था उस दिन छट्टी वाले इनको दिखाई थी मैं ना, वो आप लोग का ब्लॉग व्लॉग देखने सोची, जब सारा ब्लॉग बनाए हैं तो वो जो उस दिन बेबी शावर की तो उसका कोई वीडियो क्यों नहीं है? है सब है, दो तीन मुझे मिला, फिर वो पता नहीं वो मिला कि उनका इंस्टा आईडी देखी, तो इंस्टा आईडी पे अपने स्टेटस में कुछ पूछा ना, वो मैंने दिखाया इनका डांस, मैंने इनको दिखाया, बोले थे मुझे पता होता मैं ऐसा डांस कर रहा हूं कभी।
उनके उस वीडियो पे, उनके उस वीडियो पे मुझे 2K 1K ऐसे ऐसे अच्छे खासे व्यूज मिल गए फ्रेंड्स के डांस पे. क्यों? ये तो है, अभी वही मिसिंग है खाली. चांद लग गया उसको. हाँ सच्ची, नहीं तो वैसा ब्लॉग मुझे मिलता भी नहीं. पार्टी हो रही है. उधर शादी में पार्टी कर रहा है, इधर पार्टी कर रहा है. तो सर ये सब ट्राई करो, नहीं तो फिर गर्म हो जाएगा तो ठंडा करने के लिए फिर ना. थोड़ा आधा घंटा पहले मैं आपको बोलती ना, मैं खाना वैसे कैसे छोड़ दिया. अरे इसी इसी छोटा ऑर्डर किया हूं. छोटा वाले में क्या है अभी? तो तुमने एक ही बाइट लिया होगा अभी. एक ही तीन बाइट में क्या है? पिज्जा खाने वाले तो बड़े बड़े मीडियम साइज खा जाते हैं, अठहत्तर तक नहीं मारते. हम लोग यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. हमारे फ्रेंड लोग बहुत कमाल है, बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ. ये लोग बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग साथ में. बहुत बहुत प्यार है सबके साथ. यहाँ बस अंकुर मिसिंग है, वो शादी में गए हुए, इसीलिए विजय अंकुर चिढ़ा रही है कि हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं. बाकी बड़ी मजेदार ग्रुप है बहुत ज्यादा. ये भी देख रही. मुझे पिज्जा नहीं मिल रहा है. आपकी का बर्थडे पार्टी चल रहा है, थर्ड मंथ बर्थडे. इनका वीडियो दिखाता है, वो मम्मा बुलवाते रहते लेकिन वो पापा ही बोलते हैं. ये देखते क्या बोलेगी. ये सबसे पहले नाना बोली है. नन बोलती है. नन मत बोल देना, सब शॉप में चले जाएंगे. बोलेगी चोमू. ओई चोमू, छिपकी है छिपकी, उसे छिपक जाती है बिल्कुल. ये तो मम्मी पापा से बात करो. इधर है मम्मी पापा. ये दो दो मम्मी कैसे है भाई? उधर भी इधर दो कौन सा मैजिक है ये? इधर भी मम्मी उधर भी मम्मी. पिज्जा पचा सीढ़ियों से लिफ्ट अवॉइड. चढ़ने से थोड़ा होता है. कैसे देख रही है? घूमी घूमी मम्मा का हाथ पकड़ के माछी के गोदी में गुतुल गुतुल. छाप देख लेना है आज हमारे छुछाइती में, कितने पेल है कितने घल है, छाप देख लेना है. बलाओ घर नहीं है. हाँ विला बोलो. और पूरा पूरा विला में खूब उधम मचाना है थोड़ा सा बड़े होके. गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल. सो अभी ये मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह. अभी हम लोग ब्रश व्रश करके फ्रेश होके अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता के लिए, बिकॉज आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है. और स्टार्टिंग से ही हम लोग जब जब छुट्टी रहता है तो हम लोग नाश्ता उस दिन बाहर करते हैं. तो यहाँ का हम लोग इडली डोसा ये सब ट्राई करते हर सैटरडे को, तो आज हम वही करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम बेबी के साथ में. देखिए मेरा हाल. आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि एक्सट्रीम हेड फॉल हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, पूरा पूरा जा रहा है. जबकि मैं कंटिन्यू ऑयलिंग करके रख रही हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है. डॉक्टर के पास जाना होगा, देखते हैं क्या होता है. फिलहाल चलते हैं नाश्ता करने. चले. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लाइट आ रहा है. बेटू मिला, बेटू दो चा खाएगी? बोले मुँह दका हुआ है इसने. बेटू छोना बेटा, वही छोना बेटा, ये मिला बच्चा. स्टेशन में पूरा अपना मुँह दबा रही है. कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है साल हो गया मैं गई होगी. जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ नहीं जाती थी,
फाइनली चांस मिला जाने का। हो देखते हैं, देखिए हमारा फिक्स प्लेस है जहाँ हम जाते थे स्टार्टिंग से, तो वहाँ बहुत मज़ा आता था हमें साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ट्राई करने में। देखते वही स्वाद अभी भी है कि नहीं वहाँ पे। हाँ काय का बजट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली। हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, यहीं पे हम करेंगे नाश्ता। काफ़ी टेस्ट वाइज बहुत अच्छा, और इडली डोसा हेल्थ के हिसाब से भी वैसा कुछ बुरा तो नहीं होता, ठीक ही ठाक होता है, क्योंकि 10-10 किलो तो खूब खाता है ना इडली डोसा, तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम वीक में एक बार ट्राई किया जाए। जनाब का इडली आ गया। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है डोसा, मैसूर मसाला डोसा मेरा फेवरेट है। इडली तो बना हुआ रहता है, फटाफट आ जाता है गरम गरम, उसको बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। बहुत बहुत टाइम बाद बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। अपना फटाफट फटाफट खा गए। ये आ गया मेरा मैसूर मसाला डोसा, आ गया मेरा बाल्टी भर के सांभर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बकेट भर के सांभर पीना। कैसे सुन रही अपने पापा की बातें हाथ रख के गाल पे। बोले कि पापा हमको ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, पापा हमको चॉकलेट भी खिलाओ, हमको रोटी खिलाओ, डोसा खिलाओ, पापा 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 खिलाओ ना पापा। उसको तंग मत करिए, उठ जाएगी तो फिर मेरे को खाने नहीं देंगे।